बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जादम का पार्क। और यहां पर कुछ मुसलमान लोगों के घर है और इनके यहां आज की तारीख में भी पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ इस प्रकार ये पानी निकालते हैं कुएं से, जो आप देख सकते हो। इस प्रकार बच्चे और बूढ़े सब मिलकर पानी खींचते हैं। और ये कुआ है, कितनी गहराई है इसकी? लगभग 135 फुट। और ये कितने पुराना है, मतलब कितने समय पहले बना हुआ है ये? तो अभी 15 साल से पहले बना हुआ। अच्छा, हाँ। आपने बनाया? नहीं, हमने ये तो अभी हमने बनाया। अच्छा। वो पहले तो अभी 2 किलोमीटर दूर थे, वहाँ से पानी लेते। वहाँ भी यही सिस्टम? अभी ये देखो, ये तो अभी नया पानी जमीन से आता है, मीठा पानी। पानी कैसा? मीठा है पानी? एकदम मीठा, एकदम मीठा पानी, एकदम मीठा। अच्छा, वो पकड़ो, निकालो। तो ये एकदम साफ पानी आता है? एकदम साफ पानी। अच्छा, तो माल मवेशी को भी यहीं से पानी पिलाते हो और आप पीने के लिए भी यही काम लेते हो? पीने के लिए भी यही काम लेते। बिल्कुल मीठा पानी है। बाकी यहाँ पे कोई लाइन वगैरह, ऐसे सरकारी लाइन वगैरह नहीं पानी की? सरकारी कोई सुविधा नहीं, कोई नहीं। कोई लाइट की व्यवस्था तो हो गई है? लाइट की व्यवस्था है, सड़क की, बाकी पानी की व्यवस्था नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर कितने घरों की बस्ती लगभग आसपास होगी? 50-55। 50-55 जी। तो इस कुएं पे कितने लोग आते हैं यहाँ पे? ये जो इसको क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं? बेरी कुआ। तो यहाँ पे कितने लोग पानी पीते हैं? 15 घर आते हैं। और बाकी लोगों के अलग अलग और बनी हुई है? बाकी नीचे गांव में वहाँ भी है। वहाँ भी यही सिस्टम है? यही सिस्टम है। अच्छा, तो रोज मतलब दिन भर में 2-3 बार तो आपको सलाना पड़ता ही होगा कम से कम, है? क्योंकि पीने के लिए भी यही से, और के लिए भी यही, पशुओं के लिए, माल मवेशी सब के लिए यही। अच्छा, कपड़ा धोने सब। अच्छा, और यहाँ से टैंकर मंगवाते हैं तो 1000 रुपये लगता है। ट्रैक्टर वाला टैंकर आता है उसका भी। अच्छा, फिर यहाँ क्या करें? अच्छा, तो आपने ये खुद ही मतलब बना लिया ना? तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार का कुछ नज़ारा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर इलाका है और एकदम मतलब सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है। यहाँ बिल्कुल बॉर्डर तो बिल्कुल नज़दीक पड़ता है ना? ये अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर? अच्छा, और हम वहाँ पीछे आए थे और वहाँ से तो 1 किलोमीटर भी नहीं। हाँ, अच्छा, तो यहाँ तक मतलब अभी तक सरकार की योजनाएं पहुँची नहीं है ना? सुविधा का अभाव है। हाँ, लाइट सड़क हो गई, पानी की मतलब अभी तक किल्लत है। और अभी गर्मियों में तो ये सबसे बड़ा इश्यू रहता होगा, है ना? मान लो किसी के घर में कोई या कमाने बाहर गया हो और घर में अगर बूढ़े रहते हैं तो ये सब दिक्कतें होती है पानी का। हाँ, बाकी यहाँ स्कूल वगैरह तो नज़दीक हो गई होगी, है ना? आप पढ़ते हो? अच्छा, खेती वगैरह, जमीन तो फूल है? अच्छा, खेती तो चौमा से गई है। अच्छा, इसको आप क्या बोलते हो, ये जो बनाए हुए है ना? ये कुवाड़ इसका पानी निकालने के लिए, कुवाड़। हाँ। अच्छा, और ये भाणी लगी हुई, ये अभी आपने बाल्टी बांधी हुई है जी। इसकी जगह वो पहले जो टांके पे रखा है ना? हाँ, वो था, वो टूट गया ना, उसको क्या बोलते हैं? सड़स बोल रहे? हाँ, सड़स 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 बोल रहे जी। अच्छा, सामने से आवाज आ रही है ना? ये पानी कुएं से निकालने के लिए इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और सब मिलकर जो है इस रस्सी को खींचते हैं। काफ़ी लंबा वहाँ तक ना पड़ता है, तभी आपको दिक्कत है। ये देखिए, छोटे बच्चे वगैरह सब जो है मिलकर रस्सी खींच रहे हैं और काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। लगभग 200 फीट शायद कुआ गहरा है ऐसा बता रहे लोग। तो यहाँ तक ये रस्सी पूरी खींचते हैं। वो बाल्टी बाहर आ गई है, अभी बच्चे वापस जा रहे हैं। क्या नाम है? रईस। रईस,
तो ये पूरा नज़ारा था, कैसा लगा एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जो यहाँ का जीवन है संघर्ष के बन आपके क्या है।